complemented lattice. A lattice is called complemented lattice if two conditions are satisfied, then we call the lattice is a complemented lattice. ठीक है, जैसे कि A की साइन को बोलते हैं कि इस साइन को LUB जो होता है लीस्ट अपर बाउंड, और इस साइन को GLB जैसे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट लैटिस को, तो कॉम्प्लीमेंट लैटिस होने के लिए पहले ये दोनों कंडीशन को होना जरूरी है. ए ग्रेट, ए लीस्ट लीस्ट अपर बाउंड इक्वल टू वन एंड ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल टू जीरो. ओके, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट उसका नेम का मीनिंग से आता है कि जीरो कॉम्प्लीमेंट वन एंड वन कॉम्प्लीमेंट जीरो. ठीक है, ओके, तो देखते एग्जांपल के थ्रू. जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट लैटिस के लिए एक जो सबसे अपर बाउंड होता है जो यूनिवर्सल, उसको हम कहते हैं कि वन, एंड जो लोअर बाउंड होता है सबसे लोअर, उसको हम कहते हैं जीरो. ओके, तो अगर हमें चेक करना है कि ए यूनियन बी, इस सभी नोड को चेक करना है, अगर अगर देखें कि वो ए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो हम बोल पाएंगे कि वो लैटिस है, कम्प्लीमेंटरी लैटिस है. ओके, तो देखते हाँ, जैसे कि यहाँ पर पहले ए बी देखते हैं. ए बी, ओके, ए बी, ए लिस्ट अपर बाउंड, बी आता है देन डी बी, तो डी जैसे कि वन, एंड ए पी जैसे कि लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल टू ए, मतलब जीरो. ओके, अगर देखें ए दोनों नोड को, तो क्या होगा, बी बी लिस्ट अपर बाउंड एक ही है, तो डी होगा, डी मतलब वन. ओके, एंड बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इक्वल टू एक ही है, जीरो. ओके, और एक अगर देखे तो ए सी का, ए सी, ए सी, ए सी, ओके, ए सी का देखे तो ए सी के ऊपर है वन, जैसे कि इसका कंप्लीमेंट है वन एंड लोअर बाउंड्री इज जीरो, तो ये सभी नोट के लिए सेटिस्फाई होता है. तो हम बोल सकते हैं कि ए लैटिस एक कंप्लीमेंट लैटिस है. ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट लैटिस होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है. ओके, तो देखते हैं और एक एग्जांपल. ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिए, यहाँ पर है जो एफ यूनिवर्सल अपर बाउंड. ओके, एंड ए इज यूनिवर्सल लोअर बाउंड. यूनिवर्सल अपर बाउंड को हम वन से डिनोट करते, यूनिवर्सल लोअर बाउंड को हम जीरो से डिनोट करते. ठीक है, तो देखते इस लैटिस में, अगर इस लैटिस में भी सेम हुआ, तो हम बोल पाएंगे कि ए लैटिस एक कंप्लीमेंटरी लैटिस है. जैसे कि पहले देखते बी बी आप बी लिस्ट अपर बाउंड सी इक्वल टू, अगर देखें बी से सी, डी से डी, देन मिलता है एफ पे, एफ इक्वल टू वन, तो वन, एंड बी सी इक्वल टू सीधा सीधा जीरो. ओके, अगर ई डी का देखें, ए वन जो यूनिवर्सल अपर बाउंड है. ओके, अगर
ये देखे तो ए फिर में इसका ई का जो अपर बाउंड, ई का जो लो जो लोअर बाउंड है बी, डी का सी एंड दोनों का है ए जो जीरो। ओके अगर देखे जो सिंपल वाइज तो बी का, बी एंड ई इसका जो अपर बाउंड है वो जीरो एंड ए इज वन। सो हम बोल सकते हैं कि इसका अपर बाउंड वन एंड ऑल्सो बी जीरो। एंड अगर देखे तो इसका देखे तो ए क्या होगा, सी डी सी डी। अगर डी सी के इसका जो लिस्ट है, डी का लिस्ट अपर बाउंड है एफ जो यूनिवर्सल अपर बाउंड है लोअर वन, डी एंड सी का यूनिवर्सल लोअर बाउंड सो ए जीरो। सो अगर ये दोनों फॉर्मूला सेटिस्फाई हुआ तो हम बोल पाएंगे कि ए एक कॉम्प्लीमेंट एंड लैटिस है। सो दिस इज ओके, दिस इज कॉम्प्लीमेंट एंड लैटिस। जैसे कि ए बी, ठीक है, थैंक यू।